लखनऊ शहर को छोड़ के हम जा रहे हैं उत्तराखंड के नैनी ताल में। तो खड़ी है लखनऊ काट गोदाम एक्सप्रेस। दोस्तों अभी हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं किच्चा रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं लाल कुआ जंक्शन हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ये होटल लिया हुआ, ये आप देख सकते हैं एसी रूम मिला हुआ यहाँ पे, ये आप देख हाल का व्यू ले सकते हैं, कितना ऑसम लग रहा है। हे दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है, हम निकल चुके हैं एक नए सफर के लिए। अपने लखनऊ शहर को छोड़ के हम जा रहे हैं उत्तराखंड के नैनी ताल में। तो आज है दोस्तों 2 जून और आपको प्रॉपर ब्लॉग आने वाले, मतलब नैनी ताल से रिलेटेड जितने भी एक्सप्लोरिंग करने वाली प्लेसेस है वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपने इस ब्लॉग में। और एक सीरीज आने वाली है नैनी ताल की। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेरे पास टिकट वगैरह और कौन कौन मेरे साथ जाने वाला, तकरीबन ये एक हफ्ते का पूरा टूर होने वाला है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं चारबाग रेलवे स्टेशन की जो छोटी लाइन है यहाँ पे, उसी के सामने खड़े हुए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन आई है काठ गोदाम की वो यहीं पे आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। हमारे साथ जा रहे हमारे ये 3 मित्र, अपना अपना नाम दे दो, इंट्रोडक्शन बता दो। अमन, फहद, उत्कर्ष। तो इन्हीं लोगों के साथ आज का ये हमारा व्लॉग शुरू होता है। बाकी एकदम इंजॉय करेंगे फुल नैनीताल में जा करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे जनरल टिकट भाई लोग हमारे कटवा रहे और हमारा भी जो टिकट है दोस्तों वो भी जनरल ही है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ और अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग है वो दोस्तों है 11:25 पर। अभी हम बढ़ रहे हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ और वहाँ पे चलेंगे हम ट्रेन का, थोड़ा सा वेट करेंगे। मान के चलिए अभी 1 घंटा है आने में ट्रेन को, और जैसी ट्रेन आती है तो हम आपको दिखाते हैं जनरल का एक्सपीरियंस हम आपको कराने वाले। जो हमारी बोगी रहेगी वो जनरल की रहेगी। बाकी आइए आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं और इस ब्लॉग को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको आने वाली जो सीरीज है हमारे एपिसोड है नैनीताल की उसमें आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग के साथ एक खेला हो चुका है। जो हमारी ट्रेन थी काठ गोदाम वाली वो आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, लेकिन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। देखिए खड़ी है लखनऊ काठ गोदाम एक्सप्रेस यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। तो हमको जाना है जनरल की सीट अपनी कवर करनी है। हम लोग पहले गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जो कि उधर साइड आप देख रहे हैं, और ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो आइए अब हम अपनी सीट पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी सीट कौन सी है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हम बढ़ लेते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और हमने तकरीबन 10 मिनट तक मशक्कत करने के बाद यहाँ पे अपनी सीट पाई है, यही जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी मेरे दोस्त का कॉल आया था कि भाई तुम्हारे 100K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लखनवी नज़ारे नाम का मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उस पर 1 लाख हो चुके हैं फॉलोअर्स वगैरह। तो ऐसे आप हमको भी प्यार यूट्यूब पे भी दीजिए, जल्द से जल्द 1 लाख इस पर भी मुकम्मल कराइए पूरी तरीके से। तो चलिए अब हमारी ये जो यात्रा है दोस्तों काठ गोदाम की वो यहाँ से शुरू होती है। अभी 11:25 पे ट्रेन निकलने वाली है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ ट्रेन है। और जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है वैसे हम आपको अपना सिटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हैं और अगल बगल से आपकी मुलाकात भी कराते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से ये जो हमारी ट्रेन है वो यहाँ पे चलने वाली है, और चलिए हम आपको अपनी सीट दिखा देते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ये हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, तो आइए चलिए हम चलते हैं क्या। और ये हमारे सामने बैठा हुआ है अमन, और इधर बैठे हुए हैं शहद, और इधर बैठे हुए उत्कर्ष, और हम भी बैठे हुए मिल चुकी है और इनका बर्थडे है 1 घंटे बाद। तो फिलहाल आइए हम। तो दोस्तों अभी 11:26 हो रहा है और हमारी जो ट्रेन है दोस्तों वो यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अभी जहाँ जहाँ स्टॉप पे रुकेगी वो हम आपको दिखाते हैं, बाकी जैसे जैसे हम लोग ब्रेक लेंगे ये हमारी जो ट्रिप हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी फुल एंजॉय करिए हमारे इस ब्लॉग में आप लोग। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 4:31 और हम पहुँच चुके हैं बरेली, और यहाँ पर आप पब्लिक देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रही है जनरल डिब्बे से। थोड़ा आपको दिखाते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ बरेली रेलवे स्टेशन, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का नज़ारा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और बरेली रेलवे स्टेशन का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अभी देखिए कितना घंटा लगता है यहाँ से अभी हमको काठ गोदाम पहुँचने में। फिलहाल अभी हम काठ गोदाम नहीं जाएंगे, जाएंगे लाल कुआँ जाना है, तो अभी देखते हैं कितना समय लगता है। बाकी चलिए निकलते हैं अब यहाँ से, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ से सामान ले लेते हैं, और उसके बाद फिर से अपनी जर्नी हम फिर से स्टार्ट करते हैं काठ गोदाम के लिए। दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और अभी हम पहुँच गए इज्जत नगर, हम भी आपको दिखाते हैं इज्जत नगर। यहाँ पे ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म हमारा इज्जत नगर का है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, और इसका नाम काफ़ी
यूनिक लगा है मेरे को। और देख सकते हैं अभी सनराइज भी हो रहा है धीरे धीरे, अभी 10-15 मिनट बाद हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों गोट गोदाम की तरफ। दोस्तों अभी हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं किच्चा रेलवे स्टेशन के पास। और अभी हमको यहां से अभी लगेगा 15 मिनट लगेगा, लमसम 6:45 पे हम पहुंच जाएंगे लाल कुआं। हम काठगोदाम अभी नहीं जा रहे हैं, लाल कुआं जा रहे हैं, एक काम निपटा के फिर हम लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो फिलहाल अभी आप लोग बने रहिए, अभी हम लोग चल रहे हैं लाल कुआं। और कौन से हम लोग होटल वगैरह लेते हैं सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले। और अभी अपना टिकट का प्राइस वगैरह भी आपको नहीं बताया, तो टिकट का प्राइस था हमारा 125 रुपये में। हम उत्तराखंड आ चुके हैं लखनऊ से, तो चलिए और भी सारी चीज़ें हम आपको दोस्तों कवर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे किच्चा रेलवे स्टेशन का, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अभी सारी पब्लिक उतर रही है, हम घर से निकले हुए थे 11:25 की हमारी ट्रेन थी और अभी 6:17 हो चुका। और बाकी आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का। दोस्तों अभी हम कुछ ही मिनटों में अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, बाकी आप यहां से नेचर का मजा ले सकते हैं भाई साहब। अभी मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। और यहां पे एक मील बनी हुई है जो कि आपको बीजेमआई के अंदर पे देखने को मिलती है, शायद ये वही लोकेशन है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जस्ट मेरे सामने ही है। चलिए हम आपको वो मील भी दिखाते हैं जो बनी हुई है। बाकी अभी तो हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल कुआं जंक्शन हमारे सामने। और अभी हम यहाँ से उतरेंगे, फिर अभी पकड़ेंगे ऑटो और उसके बाद चलेंगे अपने होटल की तरफ। बाकी अभी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं लाल कुआं जंक्शन हम पहुंच चुके हैं, तो अब इंजॉय करेंगे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया एपिसोड आने वाले हैं नैनीताल से रिलेटेड। कहां कहां पे आप अगर आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं नैनीताल, तो कहां कहां आप लोग घूम सकते हैं, तो वही सारी लोकेशन मैं आपको अपने ब्लॉग में आने वाले दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहां का आप नज़ारा देख सकते हैं, इस रेलवे स्टेशन का काफ़ी बढ़िया से इसको बनाया गया है। यहाँ पर रेड और वाइट कलर में मैचिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं लाल कुआं जंक्शन। फिलहाल अभी उतरते हैं, हम लोग का होगा अभी टिकट चेक। तो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं उत्तराखंड में, यहाँ पे ये आप देख सकते हो उत्तराखंड के लाल कुएं में। और कुछ इस तरीके का मॉर्निंग से मैं हमारा स्वागत होता है यहाँ पे हमारे भाई लोग। तो अभी हम लोग चलेंगे, देखते हैं कैसा क्या माहौल है। पहले तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद कुछ आपके सामने हम कुछ बातें शेयर करते हैं जो कि हमारे इस बोगी में हमारे साथ हुआ है। तो फिलहाल आइए अभी हम लोग चल रहे हैं वॉशरूम की तरफ, वहाँ से फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हम 7 घंटे का सफर करके तकरीबन 360 किलोमीटर ट्रेवल करके रात के 11:25 पे हमने ट्रेन पकड़ी थी और हमको वो यहाँ पे पहुँचाई है 7 बजे के करीब, मतलब 6:50 के आसपास यहाँ पे पहुँचाई हुई है। तो अभी हम उतरे हुए हैं लाल कुआं में। जो नैनीताल हम जाएंगे वो जाएंगे दोस्तों 4 तारीख को, मतलब यानी कि कल। आज जो है हमारे दोस्त का कल यहाँ पे पेपर होने वाला है 4 तारीख को, 10 बजे से पेपर है उसका, 1 बजे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। बाकी अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पकड़ेंगे टैक्सी यहाँ पे होटल के लिए, उसी कॉलेज के पास अपना होटल वगैरह लेंगे। और होटल के क्या चार्जेस रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा सफ़र था हमने जनरल में क्यों किया है, कि जो ट्रेन जो चलती है वो हमारे डायरेक्ट जो चारबाग रेलवे स्टेशन से वहीं से चलती है, तो हमको जनरल की सीट बड़ी आसानी से मिल सकती थी। तो इसीलिए हम लोग ने जनरल का टिकट कटाया हुआ था मात्र 125 रुपये में। हम यहाँ पे आ गए उत्तराखंड के लाल कुएं में। तो चलिए अब हम लोग पकड़ते हैं टैक्सी और टैक्सी पकड़ने के बाद चलते हैं होटल के लिए। दोस्तों यहाँ पे भी आपको लखनऊ की तरह ऑटो मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरीके के यहाँ पे ऑटो चल रहे हैं और इसको यहाँ पे टुक टुक कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे कॉलेज ऑफ अटर्नी जा रहे हैं, यहाँ से 140 रुपये यहाँ पे ये भैया जी ले रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लाल कुएं से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूर पे, हमने यहाँ पे ये होटल लिया हुआ, ये आप देख सकते हैं TVS का यहाँ पे शोरूम और ऊपरी यहाँ पे होटल है, होटल का यहाँ पे नाम लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं श्री गोल्ड जो पैलेस करके है। और दोस्तों यहाँ से जो पहाड़ है दोस्तों वो एकदम साफ साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं थोड़ा धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से पहाड़ वगैरह आप देख सकते हैं। अगर रूम की बात करें तो यहाँ पे हमको 1500 रुपये देना पड़ा है, मतलब सब कुछ मिल रहा है, फ्री वाईफाई से लेकर के ब्रेकफास्ट वगैरह भी अभी मिलेगा। बाकी अभी हम आपको चल के रूम का टूर भी करा देते हैं। और रूम काफ़ी बढ़िया है, AC है, TV है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी चलिए आइए चलते हैं, हम आपको अपना रूम टूर करा देते हैं कैसा है। तो दोस्तों जैसे आप इंटर होते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से जीने चढ़ के आते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का रिसेप्शन का एरिया यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाता है। और काफ़ी सारे यहाँ पे रूम बने हुए हैं, बाकी यहाँ पे कुछ
लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वाईफाई, ये ब्रेकफास्ट वगैरह 24 घंटे, CCTV और नो स्मोकिंग। तो आइए चल के हम अपना होटल रूम टूर करा देते हैं, जो भी हमारा जो रूम है दोस्तों 4 लोग के लिए, तो हम आपको दिखा देते हैं कैसा है। और 1500 रुपये में काफ़ी अच्छा रूम हमको मिल गया, AC रूम मिला हुआ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ रूम है, और यहाँ पे ये हमारा बेड लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पे ये एक छोटी सी अलमीरा हमको दोस्तों देखने को मिल जाती है, इसमें हम लोग अपना बैग वगैरह रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे AC वगैरह भी हम लोग को मिल रही है, बाकी TV वगैरह भी मिल रही है। और वॉशरूम की बात करें तो कुछ इस तरीके का यहाँ का दोस्तों वॉशरूम है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए अब मतलब नेक्स्ट व्लॉग में अब हम लोग जहाँ जहाँ पे ट्रिप करेंगे, यहाँ पे टूर करेंगे इस पूरे उत्तराखंड में, वो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। बाकी अभी ऊपर की तरफ भी चलेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने आपको यहाँ पे होटल का टूर करा दिया, और आपको अब हम एक ऐसा व्यू यहाँ से दिखाने वाले होटल की छत से, मतलब जैसे हमने देखा ना मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं भाई साहब क्या ही नज़ारा आ रहा है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दोस्तों देखने को मिलेंगे चारों तरफ, और जल्द से जल्द इनका पेपर हो जाए फिर हम लोग निकलेंगे पहाड़ की तरफ और विजिट करेंगे पहाड़ को, एक्सप्लोर करेंगे पूरे नैनीताल को, एक एक जगह हम आपको दोस्तों दिखाने वाले। और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ से पहाड़ का व्यू ले सकते हैं, कितना ऑसम लग रहा है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया नज़ारा यहाँ से दोस्तों देखने को लग रहा है। बस अब इंतज़ार है तो नैनीताल का, तो कल हम लोग निकलेंगे। तो उस व्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, हम लखनऊ से ट्रेवल करके आ चुके तो उत्तराखंड के लाल कुएं में, और यहाँ पे मैंने अभी हम लोग कॉलेज भी गए थे, तो कॉलेज के पास होटल वगैरह एकदम बुक हो गए, तो हम लोग ने फिर से वापस लाल कुएं में आ करके यहाँ पे होटल लिया हुआ, जो मैंने आपको दिखाया। बाकी चार्जेस वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया, होटल का टूर करा दिया किस तरीके का होटल है। और अब जो अगला व्लॉग आएगा वो दोस्तों यहाँ का जो लोकेशन है सारी विजिटिंग वाली, वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।